बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक चल रहा था, उस चैप्टर में हमने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा था। अब हमारा टॉपिक है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है, आप देख सकते हो 6x² - x - 2 = 0। इसे सॉल्व करना है, फैक्टराइजेशन से नहीं सॉल्व करना है, इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। इस मेथड में क्या करेंगे हम, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले लिखा हुआ है 6x² लिखा हुआ है, तो आप ये देखो कि क्या x² के साथ कोई वेरिएबल है। तो आपको दिख रहा है कि इसके साथ कौन सा वेरिएबल है, 6। तो आप पूरे इक्वेशन क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा x² - x/6 - 2/6 = 0। ठीक है बच्चों, फिर ये हो जाएगा x² - x/6 - 1/3 = 0। अगर यहाँ पर 6 नहीं होता तो हम डिवाइड नहीं करते, तो जो हमारा स्टेप अब आने वाला है वहाँ से हम कंटिन्यू कर सकते थे, बट यहाँ पर x² के साथ एक वेरिएबल आ गया, तो इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा। ठीक है, इसके आगे x², अब आप ये देखो कि जो x वाला टर्म है उसका साइन कैसा है, उसका साइन है नेगेटिव। तो इसका मतलब जब नेगेटिव साइन है तो हमारे पास a - b² का कुछ ऐसा बनने वाला है। अगर यहाँ पर प्लस होता तो a + b² बनता। मेरी बात समझ में आ रही है, यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो a - b² का कुछ फैक्टर बनने वाला है। a - b² अगर बनने वाला है तो पहले इसको आप ओपन कर लो, a² - 2ab और फिर +b². ठीक है बच्चों, तो इसे लिख लेते हैं हम। सबसे पहले a² की जगह पर क्या है, x² है, a² की जगह क्या है, x² है, फिर माइनस है, माइनस लगा लिया, फिर क्या है, 2 है, 2 लिख लो, फिर क्या है, a है, तो a अगर आप कंपेयर करो तो a की वैल्यू क्या है, x है, तो आप इसे x लिख लो। अब b आप कुछ ऐसा लिखोगे, b की वैल्यू इम्पॉर्टेंट है, b आप कुछ ऐसा लिखेंगे कि इसकी वैल्यू में कोई चेंज ना आए, तो b मैंने लिखा 1/12। अगर आप देखो तो ये वैल्यू है कितनी, 2 से आप डिवाइड कर दोगे, यहाँ 6 आ जाएगा, x/6 बचा। मेरी बात समझ में आई, तो b की वैल्यू आ गई 1/12। फिर +b² मतलब +1/12² मतलब 1/44। तो अब आपने इसको ऐड किया है तो इसे सब्ट्रैक्ट भी करो और -1/3 = 0। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से यहाँ तक क्या बन गया, x - 1/12² बना कि नहीं, बाकी चीज़ें आप उधर लेते जाओ राइट में, तो 1/144 + 1/3 दिख रहा है। इसके बाद ये बन जाएगा बच्चों, इसका एलसीएम आएगा 144, तो यहाँ 1 ही होगा, यहाँ पर 3 से आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 4 = 12 × 3 = 14 / 144। तो x - 1/12² = इतना। फिर ये आया बच्चों, x - 1/12² = 49/144। दोनों साइड हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो x - 1/12 = ±7/12। आपको दिख रहा है करेक्ट। फिर आप यहाँ से अगर देखो, एक बार पॉजिटिव लेंगे, x = 7/12 + 1/12, दिस इज 8/12,
और ये आया 4 2 जेड 4 3 12 2/3। और एक बार नेगेटिव लेंगे तो एक्स इज इक्वल टू -7/12 और +1/12, तो ये आ जाएगा -6/12। दिस इज -1/2। तो बच्चों दो वैल्यू